अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्यन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली लेक्चरर बॉटनी और बायोलॉजी की उन सीटों की तैयारी को डिस्कस करेंगे जिनका टेस्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ, टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुई और हमारे पास टाइम है उसकी तैयारी के लिए। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि बॉटनी और बायोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है और कैसे आप अपने आप को उन सीटों के लिए बेहतर तौर पर तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर बॉटनी और बायोलॉजी का सिलेबस, रिकमेंडेड बुक्स, मार्क्स, डिवीजन, पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चूंकि अभी टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुई तो हम खुद से भी नहीं बता सकते कि कब टेस्ट होना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन ही जानता है कि किस डेट को टेस्ट कंडक्ट होना है और डेफिनेटली वो कुछ दिनों तक ये टेस्ट डेट अनाउंस कर देंगे। तो हमारे पास टाइम है, एटलीस्ट हमारे पास 2 मंथ्स हैं जिसमें हम इस तैयारी को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने एडवर्टीजमेंट्स हैं जिसमें सारी सीटों की तादाद डिस्कस की गई है। लेक्चर बायोलॉजी मेल की 2 सीटें थी, लेक्चरर बॉटनी की 4 सीटें थी मेल के लिए। इसी तरह फीमेल के लिए लेक्चरर बायोलॉजी की 4 सीटें हैं और लेक्चरर बॉटनी की 2 सीटें हैं। तो ये सीटों की तादाद हमारे लिए बहुत मैटर करती है क्योंकि बार बार ये सीटें नहीं आनी होती, जल्दी जल्दी नहीं आनी होती। तो हम इस चांस को क्लिक करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हम इसको मिस ना करें। तो इनकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इसकी तैयारी पर अपना पूरा जोर लगाएंगे। यहां पर मैं अपना तारुफ करवा दूं, आई एम सत्यन अली। 2018 में मेरी सिलेक्शन एज ए लेक्चरर हुई थी और आप देख सकते हैं कि मेरा मेरिट में 3रा नंबर था। 2018 से पहले 2017 में मैं वर्क कर रहा था एज ए एयू और 2016 में एज ए स्कूल टीचर। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात का सबूत है कि हम जानते हैं कि इम्तिहानात की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे आप किसी जॉब के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर होकर जा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम खुद कामयाब हुए, अल्लाह ताला ने फजल किया और कोशिश करेंगे, अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे कि आप लोगों की तैयारी भी ऐसे करवाएं कि आप लोग कामयाब हो सकें। तो अब एक एक करके सारी बातें डिस्कस होंगी। सबसे पहले पेपर पैटर्न, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 MCQs हैं और सारे के सारे MCQs आपके सब्जेक्ट में से हैं। तो अगर आपने अपना सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिया तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको जनरल नॉलेज तैयार करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, कुछ भी नहीं। आप जस्ट अपना सब्जेक्ट कंसल्ट करें, उसी को तैयार करें। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 100 MCQs हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपके बॉटनी के जो तमाम डिसिप्लिन्स हैं उसको लाजमी तौर पर कवर करेंगे। तो आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से तैयार करनी है। इसमें अगर हम सिलेबस का जिक्र करें तो आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने एज इट इज लेक्चरर बॉटनी या बायोलॉजी का कोई सिलेबस एडवर्टाइज नहीं किया। सिलेबस सिर्फ एफपीएससी एडवर्टाइज करता है। तो इनका सिलेबस हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात यह कि एचईसी ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए बॉटनी और बायोलॉजी दोनों का सिलेबस यूनिवर्सिटीज को दे रखा है और उसी में से पेपर आना है। पब्लिक सर्विस कमीशन उसी को कवर करते हैं। दूसरे नंबर पे चूंकि हम 4-5 साल से तैयारी करवा रहे हैं तो हम इन चीजों को समझते हैं और बार बार के पास्ट पेपर्स की इवेल्यूएशन से हम इस चीज को अच्छी तरह से जान गए कि किन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस एचईसी बेस्ड भी है और हमारे तजर्बे की बुनियाद पर भी है। तो हमने सारे बॉटनी के सिलेबस को मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। आप देख सकते हैं कि इसमें बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स का पोर्शन है, एल्जी फंजाई का पोर्शन है, प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं, इकोलॉजी और एवोल्यूशन के टॉपिक्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट एनाटॉमी है, प्लांट सिस्टमैटिक्स है और प्लांट डाइवर्सिटी है। मतलब कोई ऐसी चीज है नहीं जो हमने स्किप की हो। ये बात हुई बॉटनी की। अगर हम बॉटनी के साथ साथ बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी और बॉटनी में काफी सारी चीजें तो सेम है, जिस तरह के बायोकेमिस्ट्री दोनों में आनी है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों में आनी है, एंजाइम फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों में आने हैं, इकोलॉजी एंड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन दोनों में आनी है, एल्जी और फंजाई इंट्रोडक्टरी लेवल की लाजमी तौर पर बायो में आएगी और बायो में लाजमी तौर पर बेसिक प्लांट पोर्शन भी आएगा क्योंकि किंगडम प्लांटी का जिक्र आना है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किंगडम एनिमिलिया से ऑनवर्ड जो टॉपिक्स हैं ये प्योर बायोलॉजी के हैं। किंगडम एनिमिलिया है, न्यूट्रिशन एंड गैशियस एक्सचेंज के टॉपिक्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा है, ट्रांसपोर्ट, होम्योस्टेसिस, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो जब आप बॉटनी की तैयारी करते हैं तो आप बायो की 60% प्लस तैयारी कर चुके होते हैं
और अब आपको फोकस करना होता है इन टॉपिक्स पर। तो अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई कर रखा है तो आप सारे का सारा सिलेबस कवर करेंगे, और अगर आपने जस्ट बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपकी तैयारी उसी हिसाब से करवाई जाएगी कि आपका बायोलॉजी का सारा सिलेबस इन टाइम कवर हो सके। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक सिस्टमेटिक वे में और पूरी तैयारी के साथ सारे के सारे सिलेबस को ब्रेक डाउन किया है 32 टेस्ट में, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और एक तरतीब से हम शुरू हो रहे हैं और सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी कंप्लीट करवा रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज होगी नहीं आपके सिलेबस में जो मिस हो जाए। हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज रह जाए जिसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता हो और आपने ना किया हो। हम इसमें सारी प्लांट डाइवर्सिटी कर रहे हैं, सारी एनिमल डाइवर्सिटी कर रहे हैं, सारा किंगडम प्रोटिस्टा कर रहे हैं, फंजाई कर रहे हैं, माइक्रोब्स कर रहे हैं और वायरसेस भी, तो कोई चीज रह नहीं जाएगी। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो भरपूर तरीके से हो सकेगी। तो ये वो सारा सिलेबस है जो आप लोगों को कवर करना है, इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। स्टूडेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर रिकमेंडेड बुक्स बता दें कहां से तैयारी करनी है। अगर तो आपने लेक्चरर बॉटनी के लिए अप्लाई किया है तो आप तैयारी करते हैं बीएससी बॉटनी से। अब बीएससी बॉटनी के नाम पर चार किताबें होती हैं, बॉटनी ए, बॉटनी बी, बॉटनी सी और बॉटनी डी। इनमें से जो बॉटनी सी है ये बेसिकली कवर करती है सेल बायोलॉजी को, जेनेटिक्स को और एवोल्यूशन को। बॉटनी डी कवर करती है प्लांट फिजियोलॉजी को और इकोलॉजी को। ये वो टॉपिक हैं जो लाजमी तौर पर बायोलॉजी का हिस्सा भी हैं। फिर हम बात करते हैं बॉटनी ए और बॉटनी बी जो प्योर बायोलॉजी हैं, प्योर बॉटनी है एक्चुअली, उसमें बायो के कुछ टॉपिक्स भी हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से तैयारी करते हैं, फिर हम आ जाते हैं पीएस वर्मा की बुक्स पर, जिसमें हम सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी के मेजर्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए एफएससी की बायोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो हमारे प्रोविंशियल लेवल की भी और उसके साथ साथ फेडरल लेवल की भी। तो फेडरल बायोलॉजी से हम अच्छे से अगर तैयारी कर लें तो बायो का पोर्शन भी कवर हो जाता है। अब यहां पर एक बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए, वो ये कि जब गवर्नमेंट लेक्चरर सिलेक्ट करती है तो उनका एक मकसद होता है, लेक्चरर बायोलॉजी सिलेक्ट करने का मकसद ये होता है, एक ऐसा टीचर जो इंटर लेवल पर बायोलॉजी पढ़ा सके और ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट्स जो बायो में आते हैं वो कवर करवा सके, स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। लेक्चरर बॉटनी सिलेक्शन करने का मकसद होता है एक ऐसा टीचर जो बीएससी एमएससी लेवल की बॉटनी पढ़ा सके या बीएस लेवल की बॉटनी पढ़ा सके, तो उसी के अकॉर्डिंग वो टेस्ट लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आपने ये सारी की सारी बुक्स कवर कर ली तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो हम आपको साथ साथ अपने सेशन में ये चीजें बताते रहेंगे कि कौन से टॉपिक्स किन बुक्स से करें तो आपके ज्यादा बेहतर तैयार हो सकते हैं। तो ये वो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इनमें से हार्ड फॉर्म में बीएससी की बॉटनी की बुक्स और फेडरल लेवल की जो बायोलॉजी की बुक्स हैं ये आपके पास हार्ड फॉर्म में हो। पीएस वर्मा की बुक अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है तो हम आपको ये सॉफ्ट फॉर्म में बाकी की बुक्स प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कैंबल बायोलॉजी, रावण बायोलॉजी के लेटेस्ट एडिशंस होंगे, बीपी पांडे सीरीज होगी, ओपी शर्मा सीरीज होगी, पीएस वर्मा की बुक्स होंगी, कार्ब सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, एक दो बुक्स और भी हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए, या कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तैयारी के प्रोसीजर को लेकर। तो इन बुक्स अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देन We will discuss how we help in preparation. हम आपकी तैयारी में कैसे help कर सकते हैं, तो इसमें हम एक systematic way में चलते हैं। आपको आपका सारा syllabus बता दिया, उसको breakdown भी किया आपने वो screen पे देखा, तो हम क्या करते हैं कि एक तरतीब से शुरू होते हैं और systematic completion करवाते हैं सारे के सारे syllabus की, step by step सारे के सारे topics cover करवाते हैं, कोई भी miss नहीं करते। दूसरे number पे वो तमाम topics जहाँ पे concept issues students को ज़्यादा होते हैं, साइकल्स हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के, लाइक माइटोसिस और मियोसिस के टॉपिक्स हैं, या फिर एंजाइम से रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, या कोई भी ऐसे टॉपिक्स जहां पर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट इश्यूज ज्यादा आते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं। इसके साथ साथ पूरे सेशन में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट भी होती है कि जहां पर भी स्टूडेंट्स को तैयारी के दौरान कोई इशू आता है वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन उनको आंसर किया जाता है ताकि उनकी तैयारी जो है वो हो सके, कोई ऐसी चीज रह ना जाए जिसका उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली कवर करवाए जाते हैं। पीडीएफ फॉर्म में डाटा दिया जाता है, और सबसे आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यह है आपकी ऑनलाइन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सिस्टम। हम आपकी तैयारी टेस्टिंग सिस्टम से करवाते हैं। यहां पर एक बात मेंशन करेंगे कि जब हम ये बात करते हैं कि कुछ अदारों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो साथ ये बात भी करते हैं कि उनके रिजल्ट इसलिए अच्छे आए क्योंकि वो ज्यादा टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ज्यादा अच्छे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एमडी कैट की,
तो उसके भी टेस्टिंग सिस्टम के जरिए तैयारी होती है। तो अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसके लिए टेस्टिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हो जो आपको बता सके कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं और वो कैसे कवर हो सकती हैं, वो कैसे ठीक हो सकती हैं। तो हमारे सेशन का जो बेसिक मकसद यह है कि ऑनलाइन टेस्टिंग और असेसमेंट सिस्टम के जरिए आपकी तमाम पॉसिबल मिस्टेक्स जो है उनको खत्म किया जा सके, ताकि आप पेपर वाले दिन जाकर कोई मिस्टेक ना करें, वहां पर आपका सब ठीक ठीक हो और वहां पर कोई मिस्टेक करने लगे तो आपको याद आ जाए कि ये फलां टेस्ट में सर ने बताया था कि आपने गलत किया है और इस तरीके से ठीक हो सकता था। तो ऐसे भी तैयारी होती है। तो इस वे में हम आपकी सारी की सारी तैयारी करवाते हैं, सारा सिलेबस कवर करवाते हैं। तो ये हमारा तैयारी का प्रोसीजर है। एट द एंड हमारी तैयारी का जो सिलसिला है एजे के पीएससी की लेक्चरर बॉटनी और बायोलॉजी के सेशन का, वो 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, 03047453957 और 03332605045। आप दोनों में से किसी भी नंबर पर रابطہ करें, आप लोगों को तैयारी का जो सारा तरीकेकार है, रजिस्ट्रेशन का सारा तरीकेकार है, वो बता दिया जाएगा। अभी वीडियो में मैं आपको बताता चलूं कि रजिस्टर होने के लिए आप ये जैज के नंबर पर 0304 वाले नंबर पर फी सबमिट करवा सकते हैं, जैज कैश और इजी पैसा दोनों तरीकों से। 5000 फी है। फी सबमिट करवाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें, अपना नाम और शहर का नाम लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें तो आपको रजिस्टर करके सेशन में ऐड कर देंगे। ये 5000 फी पूरे सेशन की फी है, यानी कि अगर आपका सेशन 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स की आपने जस्ट एक ही बार 5000 फी देनी है और आपकी तैयारी हो जाएगी। यहां पर हम अपने सबका रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का जो एतमाद है वो बन सके। हमने जब तैयारी का ये प्रोसीजर शुरू किया 2020-21 में, तो उस वक्त ये सारे के सारे रिजल्ट्स आए हमारे पास बाय टाइम एक साल के अरसे में। तो 2022 से लेकर 2023 के मिड तक ये रिजल्ट्स हैं। 2023 के मिड से लेकर अभी तक हमारे इतने ही और स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनकी लिस्ट अभी इसमें ऐड करना बाकी है। ये इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, बॉटनी, फिजिक्स, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। और जिस तरह ये हमारा सेशन बॉटनी और बायोलॉजी का है, इसी तरह हमारे सेशंस हैं जूलॉजी का जो सर मुबशर करवाते हैं, इंग्लिश का सर चांद अकील करवाते हैं, केमिस्ट्री का सर जाहिद चीमा करवाते हैं, फिजिक्स का सर एहसन जावेद करवाते हैं और उर्दू का सर डॉक्टर इमरान करवा रहे हैं। तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आजाद जम्मू कश्मीर ने एडवर्टाइज भी किए थे, उनकी तैयारी हम करवा रहे हैं। उनकी भी डिटेल में सारी वीडियो जो है वो एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। आपके बहन भाइयों ने या कजन्स ने या जानने वाले दोस्तों ने जिन्होंने उन सीटों पर अप्लाई कर रखा है, आप उनको भी गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं और आपकी तैयारी हो सकती है। तो फर्दर किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। थैंक यू।